Hi guys, how are you all? I hope that you all will be fine. Today, it is the second part of active and passive voice. In this part, we will learn how to change an active into passive voice. That active has two sub-objects. For example, he gave me a pen. Here in this sentence there are two objects. दो ऑब्जेक्ट हैं, बट पता कैसे चलेगा? तो मैंने कल आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए एक ट्रिक बताया था, वो था वर्ब के साथ में क्या और किसको जोड़ने पर जो आंसर मिलेगा वही है हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट। चलो पता लगाते हैं। He gave me a pen. उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे क्या दिया? It means pen. It is the object. One object. Next, उसने एक पेन किसको दिया? Then answer is me. So me is second object. Now we easily find out the object of this sentence. There are two objects in this sentence. One object is indirect object and second object is direct object. अब हमें ये पता लगाना है कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को पैसे में किस तरह चेंज किया जाता है। गाइस, फिर भी आपको इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो कम ऑन, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। आप दो ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को पहले यूज कर सकते हो। मान लो आप ए पेन यूज करना चाहते हो, देन ए पेन। नेक्स्ट स्टेप इज हेल्पिंग वर्ब इज चेंज्ड। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था, हेल्पिंग वर्ब, what is the helping verb of the sentence? No helping verb. Then we will come on this point, that is second form. It means past indefinite tense. तो second form को was या were में change किया जाता है according to subject. Then subject is a pen. A pen के according हम helping verb was का use करेंगे. Next point is we third, यानी verb की third form का use करेंगे, and verb is gave, and third form of gave is given. Guys, एक बात ध्यान रखना कि जब किसी sentence में दो object होते हैं, उसका passive change करते समय हम दूसरे object को third form के बाद use करते हैं। Then a pen was given, और इसके साथ हमें यूज करना पड़ेगा टू का, गिवन टू मी। दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करना है और हमें उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करना होगा, दैट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड। सो यूज ऑफ बाय। After that, fifth step is subject is changed into object, and subject is he, that will be changed into him. जैसा कि आपको first video में बताया गया था, subject he का object होता है him, तो हमने क्या किया? Subject को object में change कर दिया। Now it is the passive voice of this sentence. ये तो रहा फर्स्ट तरीका। नाउ मान लीजिए हम ए पेन को पहले ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना नहीं चाहते हैं,
then you can use me. Then also follow the five steps. First step is object, objective voice is changed into subject. तो object है me और इस rule के according me को हमें subject बनाते समय I में change करना होगा. I. Next step helping verb is changed. Helping verb second form that will be changed into was or were according to subject. We use was with I. यानी I के साथ में हम was का use करते हैं. Next. Third step is we third यानी verb की third form. And game की third form होती है given. Next. अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद यूज किया जाता है. देन दूसरा ऑब्जेक्ट है ए पेन और इसको हम थर्ड फॉर्म के बाद यूज कर लेंगे. बट गाइस अब आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि सर ने ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज किया था बट यहां पर तो नहीं किया. क्यों बताता हूं. जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करना पड़ता है. लेकिन जब हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो हमें टू का यूज नहीं करना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड टू. ओके now come on next step that is preposition by is used. So use by. Next fifth step subject changed into object. What is the subject of this sentence? He. It will be changed into him. This is the passive voice. So आपको पता चल गया होगा कि हम चाहें तो इस तरह भी कैसे बना सकते हैं sentence का और इस तरह भी. ये रूल तभी फॉलो करना है जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब हम सीखेंगे किस तरह एक नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है. गाइस बहुत इजी है, इसमें कुछ अलग नया नहीं करना है आपको. समझ लीजिए फॉर वन एग्जांपल. सी डज नॉट लाइक एप्पल्स. इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है. देन आल्सो follow the five steps. First is object of the active voice is changed into subject. और object पता लगाना मैंने आपको पहले ही बताया था कि verb से पहले हम क्या add कर देंगे तो हमें object मिल जाएगा. She does not like apples. वह apples पसंद नहीं करती है. यहां जोड़ देते हैं क्या. वह क्या पसंद नहीं करती है. Then answer is apples. And this apple is object. It will be changed into subject. Apples. First step is done. Next, helping verb is used. What is helping verb? Does. And do does, it changes into is and are according to subject. Then apples, that is plural or plural. सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. एंड वर्ब इज लाइक. थर्ड फॉर्म इज लाइक. नेक्स्ट स्टेप प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड. बाय. And next step, subject changed into object. Subject is she and she will be changed into her.
दैट्स डन। एप्पल्स आर लाइक बाय बट आपके सामने एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर ने इस नॉट को तो कहीं यूज नहीं किया। गाइस आपको बता दूं कि जिस सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ हो अर्थात नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उस नॉट का यूज हमेशा हमेशा वर्ब के बाद करते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर वर्ब है आर तो हमें आर के बाद नॉट का यूज करना है। देन द करेक्ट आंसर विल बी एप्पल्स आर नॉट लाइक बाय हर। गॉट इट? कम ऑन नेक्स्ट। यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम। Now change it into passive. Follow these five steps. First is object of the active voice is changed into subject and object is this son. कैसे पता लगाया? Verb से पहले क्या लगा था? तुम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तुम क्या हल नहीं कर सकते? This son. यह सवाल इट इज द ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना देंगे इसे। दिस सम। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब इट मींस कैन और अभी यहां बताया गया था आपको नेक्स्ट वीडियो में कैन के बाद कैन का यूज करते हैं पैसे बनाते समय। दिस सम कैन बी बट नॉट कहां यूज करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था। बताइए कैन। ओके कैन की बात यूज करेंगे। नॉट बी नेक्स्ट थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व। ओके नेक्स्ट स्टेप प्रीपोजिशन बाय एंड फिफ्थ स्टेप सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। दैट्स डन। दिस सम कैन नॉट बी सॉल्व बाय यू। तो शायद आपको नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। गाइस अब हम सीखेंगे किस तरह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। कम ऑन डू यू लाइक हर। एक सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें एनी फाइव स्टेप को फॉलो करना है। गाइस आप समझ रहे होंगे कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें यही फाइव स्टेप्स को फॉलो करना है। कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आएंगे जिनमें हम इन रूल्स को फॉलो करने के बाद भी उसे पैसे में चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन मेन टॉपिक इज दिस सो पे अटेंशन टू इट। डू यू लाइक हर? देन फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज हर। सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब डू एंड डू डस इज यूज्ड इनटू इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इज। है ना गाइस?
बट इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज व्हाइल वी चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज सी सो अकॉर्डिंग टू सी वी विल यूज इज बिफोर इट देन इट विल बी इज सी नेक्स्ट स्टेप वी थर्ड इज यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक थर्ड फॉर्म इज लाइक नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट यू विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट दैट इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस ओके नेक्स्ट मोर एग्जांपल इफ द सेंटेंस हैज अ वर्ब इन टू पार्ट्स then how to change into passive voice come have you seen the zoo हमें सीखना है कि इस सेंटेंस को पैसे में चेंज करेंगे तो यही रूल फॉलो होगा या कुछ अलग देखते हैं हैव यू सीन द जू फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट है द जू नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैव को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन सब्जेक्ट है द जू तो द जू के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैज का हैज बीन गाइस जैसे ही आप हैज बीन का यूज करोगे सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि हैज बीन का यूज हम एक साथ सब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं हैज एंड बीन बीन का यूज यानी वर्ब के सेकंड पार्ट का यूज हेल्पिंग वर्ब के सेकंड पार्ट का यूज ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद करते हैं हैज द जू बीन नेक्स्ट थर्ड फॉर्म सीन की थर्ड फॉर्म सीन ही होती है नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाय एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट यू विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट दैट विल बी द करेक्ट पैसिव वॉइस Has the zoo been seen by you? Okay, guys. Next, और देख लेते हैं. Why? Will the teacher be Mohan? Guys, in this sentence, आप देख रहे हो WHY, यानी कि एक question word का use हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को किस तरह पैसिव में चेंज किया जाता है कम ऑन फिर भी आपको इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो करना होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट इज मोहन मोहन नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब इज बिल और बिल को चेंज किया जाता है बिल बी और सेल बी में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज मोहन तो मोहन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे विल गाइस ऐसा करते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो हम सब्जेक्ट से पहले यानी कि
विल का यूज मोहन से पहले करेंगे, विल मोहन, और सेकेंड पार्ट का यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे, विल मोहन बी। नेक्स्ट पार्ट थर्ड फॉर्म इज यूज, बी की थर्ड फॉर्म बीटन। नेक्स्ट पार्ट प्रीपोजिशन बाय, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, द टीचर। अब बचता है वाई, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है, और किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का यूज हम ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले करते हैं। देन करेक्ट आंसर विल बी वाई विल मोहन बी बीटन बाय द टीचर, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। गाइस ये कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है तो उसको पैसिव में चेंज करते समय हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, काम हुआ है will you not do this work? पैसे में चेंज करने के लिए यही फाइव स्टेप्स फॉलो करनी है हमें। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। दिस नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज विल, फर्स्ट पार्ट वेल यूज किया जाएगा सब्जेक्ट से और सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। फोर्थ स्टेप प्रीपोजिशन बाय, एंड फिफ्थ स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट यू और ऑब्जेक्ट भी होगा यू। अब देखते हैं बचा क्या, देन वाई और नॉट। नॉट का यूज गाइस ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है नॉट, और अभी आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड का यूज ऑलवेज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। देन द राइट आंसर विल बी व्हाई विल दिस वर्क नॉट बी डन बाय यू। ओके नेक्स्ट रूल्स हम इसके थर्ड पार्ट में सीखेंगे।